नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। गोविंदा को गोली लगी तो उनके फैंस घबरा गए और साथ ही साथ गोविंदा की हेल्थ को लेकर उनके फैंस बहुत ज्यादा परेशान भी है। सिटी केयर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और गोली जो है वो निकाल ली गई है। इस बात की जानकारी खुद गोविंदा ने एक ऑडियो के जरिए दी है। चलिए आपको सुनवाएंगे वो ऑडियो भी। वेल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। गोविंदा के पैरों पर लगी वो गोली निकाल ली गई है जो कि उनकी खुद की गलती से लगी। रिवॉल्वर भरी हुई थी और अनलॉक थी। यही गलती गोविंदा से हुई। वो रिवॉल्वर को क्लीन कर रहे थे और उसी दौरान गोली चल पड़ी। सुबह का ये वाक्या है 4:45 का और गोली सीधा उनके पैर पर लगी। खून बहने लगा तो उन्हें सिटी केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में उन्हें आईसीयू में रखा गया। फिलहाल गोली निकाल ली गई है और पत्नी सुनीता उनके साथ है। अब ऐसे में लोग जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि गोविंदा की हालत जो है वो गंभीर है, जबकि कुछ को ये कहना था कि गोविंदा बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे में गोविंदा जो है उनका ऑडियो आया है और उन्होंने अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया है। हालांकि आवाज से ये लग रहा है कि गोविंदा की हालत ठीक नहीं है, लेकिन उस ऑडियो में गोविंदा ने ये भी कहा है कि जो गोली उन्हें लगी थी वो निकाल ली गई है। आप भी सुनिए गोविंदा का ये ऑडियो। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थना जो है, आप लोग का धन्यवाद प्रणाम।